Shapoorji Palonji Engineering and Construction 150 सालों से निर्माण की एक जानी मानी कंपनी है। अपने कार्य के इस विरासत को बनाए रखने के लिए Shapoorji Palonji ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा कामगारों को काम करने के सटीक एवं सुरक्षित निर्माण के बारे में सूचित करता है, ताकि संपूर्ण सुरक्षा के साथ काम हो और अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं सीमेंट मसाले से वॉल टाइलिंग करने का वीडियो और सीखते हैं वॉल टाइलिंग करने का उचित कौशल। दोस्तों, खड़ी दीवारों पर टाइल्स लगाने की प्रक्रिया को वॉल टाइलिंग कहा जाता है। टाइल्स दीवारों को सुंदर तो बनाती ही है, बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी बनाती है। टाइल्स कई प्रकार की होती है, जैसे सेरामिक टाइल्स, चीनी मिट्टी की बनी हुई टाइल्स और पत्थर से बनी हुई टाइल्स, जिनका उपयोग घरों में, दफ्तरों में तथा व्यावसायिक जगहों पर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि सीमेंट के मसाले का उपयोग करके दीवारों पर टाइल्स लगाने की सही प्रक्रियाएँ क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस कार्य के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि इसकी गुणवत्ता पर कोई खराब असर पड़े। दोस्तों, आप सभी का आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, या आपके काम करने का तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसों में ये जरूरी नहीं है कि गलती आप ही की हो। इसलिए साइट पर अपना पीपी जरूर पहने हमेशा। क्वालिटी टॉक के माध्यम से कामगारों को निर्माण के अलग अलग कार्य को उचित गुणवत्ता के साथ करने की प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करने के दौरान कामगारों को किस विषयों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य में गलतियां कम हों। तो चलिए पहले देखते हैं कि टाइलिंग से जुड़ी मूल सामग्री जैसे टाइल्स, सीमेंट और बालू को कैसे रखा जाता है और उनका स्थानांतर कैसे किया जाता है। टाइल्स को हमेशा जमीन से ऊंची मचान बनाकर रखें। टाइल्स रखते समय उसे अलग अलग स्तरों पर रखें, उसे इकट्ठा ढेर न लगाएं। टाइल्स को सावधानी से लोडिंग, अनलोडिंग या अन्य स्थान पर ले जाएं। अलग अलग प्रकार के टाइल्स को अलग से रखें। टाइल को कभी भी जमीन पर खुले या अरक्षित जगह पर ना रखें। हर सीमेंट की बैग 50 किलो वजन की होती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित तरीके से उठाकर दूसरी जगह ले जाएं। सीमेंट बैग्स के ढेर हमेशा एक ऊंची प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाएं, जो जमीन से 150 या 200 मिलीमीटर और दीवार से 600 मिलीमीटर दूर हों। सीमेंट बैग्स के ढेर कभी भी टेढ़ी या अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए। सीमेंट को हमेशा सूखी स्थानों में अच्छी तरह से ढक कर रखें और ध्यान दें कि वहां पर पानी आने की संभावना ना हो। सीमेंट बैग्स को बिना ढके खुले स्थानों पर या जमीन के ऊपर नहीं रखने चाहिए। रेत या बालू को हमेशा छान कर उपयोग करें। समय समय पर पत्थरों को छन्नी से निकाल दें ताकि काम करने में सुविधा हो। छान कर रखे हुए रेत को हमेशा बोरियों में भरें। उपयोग होने वाले सामग्रियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा ठेला गाड़ियों का उपयोग करें। निर्माण कार्यस्थल पर हमेशा सचेत रहें, अन्यथा खतरा होने की संभावना है। टाइलिंग कार्य में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। टाइलिंग होने वाले दीवार चिनाई की कम से कम 7 दिन तक तराई होनी चाहिए। दीवार सतह पर लगा हुआ सूखा सीमेंट मसाला, धूल, मिट्टी आदि को पहले घिसकर साफ कर लें।
दीवार में ब्लॉक या ईंट के चिनाई हो तो उसे कम से कम 10 मिलीमीटर गहराई की रेकिंग होनी चाहिए। स्पिरिट लेवल के उपयोग कर दीवार की खड़ी संरेखण जांच ले। सतह में गलतियां पाए जाने पर उसे ठीक कर ले। दीवार सतह को साफ पानी से गीला कर ले ताकि सिर्फ सतह गीला रहे और टाइलिंग के प्लास्टर का पानी सोख न ले। सतह को 24 घंटे पहले ही पानी से पूरी तरह से गीला कर दें ताकि टाइलिंग के मसाले से पानी न सोख ले। सीमेंट मसाले को हाथ अथवा मशीन दोनों तरीकों से मिलाया जा सकता है, क्योंकि मशीन से मिलाने पर मसाला जल्दी और अच्छी बनती है। इसलिए वीडियो पर हम मशीन का उपयोग कर सीमेंट मसाला बनाएंगे। मिश्रण के शुरू से ही मशीन को चालू रखें। बंद अवस्था में बालू या सीमेंट ना डालें। मशीन को उसके क्षमता से ज्यादा ना भरें, इससे मशीन खराब हो सकती है। मसाला बनाने के लिए सीमेंट और बालू का आयतन को हमेशा मापनी बक्श या फार्मा से माप लें। एक फार्मा का वॉल्यूम एक सीमेंट बैग के समान यानी 1.25 क्यूबिक फीट या 35 लीटर होती है। क्योंकि हम हाफ बैग मिक्सर मशीन से 1/4 के मात्रा में मसाला बना रहे हैं, इसलिए आधा बैग सीमेंट के साथ 2 फार्मा बालू मिलाएंगे। तो मिक्सिंग के शुरू में मशीन में पानी डालें ताकि उसकी अंदरूनी सतह गीली हो जाए। अभी दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट फार्मा से बालू को माप लें। बालू फार्मा के बिल्कुल ऊपर तक समान होकर भरना चाहिए। इस दौरान अनावश्यक पदार्थों को निकाल दें ताकि वो मसाले में ना मिल पाए। अभी बालू और उसके बाद सीमेंट को मशीन में डालें जहां पहले से ही पानी मौजूद है। ध्यान रखें, इस दौरान बालू या सीमेंट मशीन के बाहर नहीं गिरना चाहिए। अभी मसाले की अपेक्षित घनापन या कंसिस्टेंसी के अनुसार उनमें पानी मिलाएं। ध्यान रखें, अतिरिक्त पानी मसाले की मजबूती के लिए हानिकारक है। डाले हुए सामग्रियों को कम से कम 5 मिनट तक मिलने दें। कार्य के दौरान गिरे हुए सामग्रियों को वापस बोरी में भर लें। मसाले निकालने के लिए हमेशा धोए हुए साफ ट्रे का उपयोग करें। इसमें गंदे ट्रे का उपयोग ना करें। एक बार में उतना ही मसाला बनाएं जो कि 30 से 40 मिनट में उपयोग हो सके। मसाला निकालने के बाद मशीन को साफ करके ही कार्य का अंत करें। तैयार मसाले को साफ किए गए ठेला गाड़ी से दूसरे स्थान पर ले जाएं। कार्य में उपयोग होने वाले टाइल्स के बैच नंबर और टाइल की रंग हमेशा जांच लें। एक ही बैच के अलग अलग बॉक्स की टाइल्स के रंग में अंतर हो सकते हैं। टाइल उपयोग से पहले ध्यान दें कि टाइल के कोण टूटे हुए ना हों। टाइल के उपयोग करने से पहले टाइल को जांच ले ताकि उसमें कोई दरार या टूटा हुआ हिस्सा तो नहीं। ऐसे पाए जाने पर टाइल को कार्य में उपयोग ना करें। टाइल्स की साइज के जांच करने के लिए उसे दिखाए गए तरीके से एक समतल स्थान पर सजाएं। अभी सजावट के अलग अलग दिशाओं को टेप से मापें तो एक दिशा में दोनों तरफ की माप एक ही होनी चाहिए। टाइल के ऊपरी सतह के समतलता जांचने के लिए ऊपरी सतह पर स्पिरिट लेवल रखें। अब एक कागज के सहारे स्पिरिट लेवल और टाइल की जोड़ के अंतर को जांच लें। टाइल सतह अगर समतल है
तो कोई अंतर नहीं मिलनी चाहिए। कार्यस्थल में उपलब्ध नक्शे के अनुसार कट टाइल्स के साइज और लगाने के जगह निर्धारित होते हैं। टाइल काटने से पहले जरूरी माप के अनुसार उनमें मार्किंग कर लें। इसके बाद उचित औजारों का उपयोग करके उसे सटीक साइज में काट लें। वैद्युतिक आरी या पावर सॉ उपयोग करते समय जरूरी पीपीई अवश्य पहने और विशेष सावधानी बरतें। टाइल में छेद करने की जरूरत हो तो उचित गोलाई की ड्रिल बिट का उपयोग करें। सुरक्षा उपकरणों को बिना पहने कटिंग के औजारों को ना चलाएं। इस वीडियो में हम 1/4 के मात्रा में सीमेंट बालू के मसाले से 10 मिलीमीटर मोटाई का प्लास्टर करेंगे, जिस पर 300x600 मिलीमीटर साइज की सिरेमिक टाइल्स लगाई जाएगी। क्योंकि हम गीले मसाले के ऊपर टाइल्स लगा रहे हैं, इसलिए इसे वेट ऑन वेट प्रोसेस कहते हैं। इस वीडियो के अंत में वेट ऑन ड्राई यानी टाइल्स को सूखे दीवार पर लगाने का तरीका भी दिखाया जाएगा। पहले दीवार सतह पर 10 मिलीमीटर मोटाई की प्लास्टर के अनुसार लेवल पैड्स लगा लें, जो टाइल की सही संरेखन बनाए रखने में मदद करेंगे। सीमेंट मसाले की प्लास्टर करने से पहले सूखे हुए स्थानों को वापस पानी से गीला कर लें। अब 1:1 के मात्रा में सीमेंट और बालू का गाढ़ा गोला दीवार सतह पर छिड़का दें और प्लास्टर शुरू करें। ध्यान रखें, टाइल के साथ मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्लास्टर के ऊपरी सतह रफ रहना जरूरी है। प्लास्टर किए गए सतह की संरेखन स्पिरिट लेवल से जांच लें। अब किए गए प्लास्टर सतह पर हम टाइलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दीवार सतह की संरेखन में 30 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊंच नीच हो तो सतह को लेवल में लाने के लिए डैश कोट प्लास्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में डैश कोट प्लास्टर के ऊपर फिर से प्लास्टर कर टाइल लगाया जाता है। टाइल को दीवार पर लगाने के साथ उसके वजन लेने के लिए अस्थायी रूप से टाइल को सपोर्ट दिया जाता है, जब तक दीवार के साथ पक्की पकड़ ना बन जाए। इस कार्य में जमीन के साथ सपोर्ट देकर एक सीधा लकड़ा या फंटी को आड़े दिशा में रखा जाता है। रखे हुए फंटी को ब्लॉक के सपोर्ट से टाइलिंग शुरू होने वाले लेवल पर ले आएं। वाटर लेवल ट्यूब या स्पिरिट लेवल की उपयोग से अब लगाए गए फंटी की आड़ा संरेखन जांच लें। ध्यान रखें कि ये सपोर्ट दीवार को छूकर रहने चाहिए, अच्छी तरह से सपोर्टेड और मजबूत होना चाहिए। टाइलिंग कार्य शुरू करने से पहले उपलब्ध नक्शे के अनुसार पास वाले दीवार से माप कर प्लास्टर सतह में मार्क करें। अब मार्किंग के ऊपर स्पिरिट लेवल पकड़ें और खड़ा लाइन बना लें, जहां से
एक पूरा टाइल लगाना शुरू करना है। टाइल के पिछले हिस्से को साफ पानी से गीला कर लें। टाइल के पिछले हिस्से में अब सीमेंट पेस्ट लगाएं और टाइल को दीवार के प्लास्टर सतह में लगा दें। अब रबर की हथौड़ी से धीरे धीरे ठोक कर टाइल्स के नीचे दबी हुई हवा को निकाल दें और उसे पक्की तरह से बिठाएं। इसमें अन्य हथौड़ी का उपयोग ना करें। टाइल को हथौड़ी से ठोकने के समय ध्यान दें कि टाइल्स टूटे ना। बाकी टाइल्स को अब पहले लगाई गई टाइल के साथ संरेखन मिलाते हुए बिठाते रहें। हर दो टाइल के जॉइंट पर स्पेसर जरूर डालें। यहाँ हम 3 मिलीमीटर मोटाई के पीवीसी स्पेसर का उपयोग कर रहे हैं। इस दौरान टाइल सतह की संरेखन की जांच स्पिरिट लेवल से करते रहें। दोस्तों, ध्यान दें कि टाइल पर सीमेंट पेस्ट पूरी तरह से लगना जरूरी है। पूरे टाइल सतह पर सीमेंट पेस्ट बिना लगाए टाइल को दीवार पर न लगाएं। जॉइंट से निकले हुए सीमेंट गोले को कार्य के दौरान ही स्पॉन्ज से साफ कर लें। कार्य के दौरान समय समय पर लगाए गए टाइल्स के खड़ी, आड़ी और समतल संरेखन स्पिरिट लेवल से अवश्य जांच लें। मसाला सूखने से टाइल्स में अटके स्पेसर को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए कार्य के साथ साथ स्पेसर को दिखाए गए तरीके से टाइल के सतह आड़ा दिशा में डालें और टाइल्स के जॉइंट में अटके हुए स्पेसर को निकाल दें। पास के दीवार पर टाइलिंग करना हो तो लगे हुए टाइल्स के जॉइंट पर दिखाए गए तरीके से स्पिरिट लेवल पकड़ें और लेवल ट्रांसफर करें। दीवार के किनारे पर टाइल और दीवार के जॉइंट में सीमेंट पेस्ट लगाएं और कॉर्नर बेड को दिखाए गए तरीके से लगाएं। कॉर्नर बेड लग जाने के बाद स्पिरिट लेवल से उसकी खड़ी संरेखन जांच लें। वेट ऑन ड्राई प्रोसेस में दोस्तों प्लास्टर किए गए दीवार सतह की संरेखन पहले जांच लें। दीवार सतह रफ यानी हैकिंग किया होना चाहिए। अब पहले दिखाए गए तरीके से लगने वाले टाइल्स के सपोर्ट लगाएं।
टाइल्स लगाने के पहले दीवार सतह को गीला कर लें। टाइल के पिछले हिस्से को साफ पानी से गीला कर लें और इसमें गाढ़ा सीमेंट पेस्ट लगाएं। अब टाइल को दीवार पर लगा दें। टाइल लगाने के दौरान निकले हुए सीमेंट गोले को स्पॉन्ज से साफ कर लें और अंत में स्पिरिट लेवल से दीवार पर लगे टाइल सतह की जांच कर लें। ग्राउटिंग के शुरू में दीवार के सामने फर्श पर फ्लोर प्रोटेक्टिव कवर बिछा लें। टाइल के जॉइंट भरने में सीमेंट, इपॉक्सी आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें रेडी मिक्स ग्राउटिंग एजेंट का भी उपयोग किया जा सकता है। इस वीडियो में हम टाइल के जॉइंट भरने के लिए इपॉक्सी ग्राउट का उपयोग करेंगे। ग्राउटिंग या टाइल्स के जॉइंट भरने से पहले दिखाए गए तरीके से टाइल जॉइंट को साफ करें। इससे जॉइंट को ग्राउट से भरने के लिए जरूरी गहराई मिलेगी। जॉइंट को सिर्फ टाइल की मोटाई के समान गहराई तक ही साफ करें। सफाई होने के बाद जॉइंट से निकले हुए पदार्थों को अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि वो वापस जॉइंट पर ना गिरें। ग्राउटिंग के समय कार्यस्थल में धूप नहीं आना चाहिए। पहले दिखाए गए तरीके से निर्दिष्ट वॉल्यूम या आयतन में ग्राउट तैयारी के अलग अलग भाग को मिलाएं। ग्राउट तैयार होने के बाद जल्द ही उसे टाइल के जॉइंट भरने में लगाएं। तैयार ग्राउट को जॉइंट पर दिखाए गए तरीके से भरें। इस दौरान ध्यान दें कि जॉइंट मसाले से पूरी तरह भरा हो। अतिरिक्त ग्राउट मसाले को जितना हो सके फ्लोट से ही हटा लें। टाइल सतह पर मसाला लगा नहीं रहना चाहिए। ग्राउटिंग कार्य खत्म हो जाने के 30 से 40 मिनट बाद साफ पानी, साबुन और स्पॉन्ज से जॉइंट की सफाई करें। बाथरूम आदि में टाइलिंग किए हुए दीवार के कोन पर दिखाए गए तरीके से सिलिकॉन सीलेंट डाल देना चाहिए। कोन में लगे कट टाइल्स की कटे हुए धार सीलेंट के नीचे रहने चाहिए। दीवार के उभरे हुए कोन पर कॉर्नर बिड लगा दें। दोस्तों, कार्यस्थल पर जमा हुए कचरे को सही तरीके से साफ करके उसे निर्धारित स्थान पर फेंकने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात,
आपके कार्य की गुणवत्ता काफी हद तक आपके औजारों पर निर्भर होती है। इसलिए कार्य के अंत में औजारों को अच्छे से साफ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के दौरान आपको बताया कि वॉल टाइलिंग करने की प्रक्रियाएं क्या होती है, और हमने आपको ये भी बताया कि इस कार्य के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दिखाई गई सभी प्रक्रियाएं वॉल टाइलिंग की अच्छी क्वालिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रक्रियाओं का आप कार्यस्थल पर सही उपयोग करेंगे। गुणवत्ता अपनाइए, सुरक्षित रहिए।